काजल लड़के से मिलता नहीं शादी के लिए। अनपढ़ आदमी, ये क्या किया तूने? तेरा दिमाग तो ठीक है, तूने मेरी सारी शर्ट खराब कर दी। रिलैक्स रोहन, वो कितने बड़े हैं हमसे उम्र में, तुम ऐसे कैसे गलती से गिर गया उनसे? लीव इट प्लीज प्रीति जी, उन्होंने मेरी सारी शर्ट खराब कर दी। अबे ओए अनपढ़, मालूम है तुझे शर्ट कितने की है? पूरे 8,000 रुपए की। तेरी महीने की सैलरी नहीं होगी इतनी की। ये क्या किया तूने, नशे वशे कर रखे हैं कि क्या किया तूने ये? सॉरी बेटा जी, हादसे में ट्रेन स्लिप हो गई थी मेरे, वैसे भी आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब है। अबे बुड्ढे, घर पे जाके आराम करना, किसने बोला तुझे बाहर आके काम करने को? खुद तो खराब है ही, दूसरों के काम क्यों खराब कर रहा है? सारा मूड खराब कर दिया तूने। पता मैं किसी से मिलने आया था आज? बेटा जी, मेरा भी दिल करता है कि मैं घर पे आराम करूं, पर मेरी मजबूरी है कि इस उम्र में मुझे काम करना पड़ रहा है। रिलैक्स रोहन, क्यों इतना बड़ा इशू क्रिएट कर रहे हो आप? गलती से गिर गया उनसे, इट्स ओके, छोड़ो, कोई बात नहीं अंकल जी। प्रीति जी प्लीज, मैं ना बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, मुझे ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं बिल्कुल भी। ये दो कोड़ी के लोगों को ना हम जैसे वैल्यूएबल लोगों की अहमियत का नहीं पता कि हमारे टाइम की कितनी वैल्यू होती है, हमारी कितनी वैल्यू होती है। आप खुद सोचिए प्रीति जी, मैं आपसे पहली बार मिलने आया और शादी की बात के लिए मिलने आया हूँ, मैं इसे खराब शर्ट पहन के बैठूंगा, मुझे खुद इतना अनकंफर्टेबल फील होगा। इस तुच्छे बंदे की वजह से मेरा सारा काम खराब हो गया। अरे कोई बात नहीं रोहन जी, अब घर से थोड़ी ऐसी शर्ट पहन के आए हो, ये तो यही हुआ मेरी आंखों के सामने, उनसे गलती से कोल्ड ड्रिंक गिर गई आपके कपड़ों के ऊपर, इट्स ओके। और वैसे भी मैं आपके कपड़ों को देख के आपको पसंद या नापसंद नहीं करने वाली, मैं तो आपके पर्सनल बिहेवियर, आपके नेचर को देख के पसंद करूंगी ना, सो इट्स ओके, लीव इट, कोई बात नहीं अंकल जी। स्टिल प्रीति जी, मेरी खुद की भी एक पर्सनैलिटी है ना, मैं ऐसे खराब शर्ट थोड़ा पहन के बैठूंगा आपके सामने? अभी तो जस्ट 2 मिनट हुए मैं बात करते हुए और अभी पूरी मीटिंग में ऐसी खराब शर्ट पहन के बैठूंगा, मतलब मुझे खुद इतना अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। शुक्र बना बुड्ढे की आज मैं लड़की से मिलने आया था शादी की बात करने के लिए, कहीं मैं अगर दोस्तों के साथ आया होता ना, तेरा वो हशर करता सारी जिंदगी याद रखता तू। चल निकल जा यहां से। पड़ गवास आप टिश्यू ले लो प्लीज, आप इतने हाइपर मत हो, रिलैक्स। प्रीति जी सारा मूड खराब कर दिया, मैं इतनी महंगी शर्ट पहन के आया था। अबे मैं बुड्ढे फिर से आ गया तू, निकल जा यहां से, तेरी कंप्लेंट कर दूंगा वरना। तो ये लो, ये तुम्हारे लिए न्यू ब्रांडेड फुल ब्रांडेड शर्ट है, पता भी है कितने की है? 12,000 रुपए की, अरमानी की है। किसी भी शोरूम में जाके पता कर लेना, 100% ओरिजिनल है। ये तो है हमारी औकात, और तुम्हारी औकात वो भी देख चुके हम। सॉरी पापा, मुझे नहीं पता था ये इंसान कितना गिरा हुआ निकलेगा कि आपके ऊपर हाथ तक उठा लेगा। सॉरी। कोई बात नहीं बेटा, मुझे ऐसे बैड ट्रीटमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क तो तब पड़ता जब मैं तुम्हारी शादी इस जैसे जाहिल के साथ करवा देता और तुम्हें सारी उम्र ये बर्दाश्त करना पड़ता। पापा, तुम्हारे पापा है ये? तो ये सब क्या चल रहा था, क्या कर रहे थे तुम लोग? इम्तिहान ले रहे थे तुम्हारा। पापा है ये मेरे और बहुत प्यार करते हैं मुझसे, बहुत नाजों से पाला इन्होंने मुझे, इसलिए चाहते हैं कि मेरी लाइफ में लड़का भी वही आए जो मुझे नाजों से रखे, प्यार से रखे, इसलिए आज तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे। ऊपर से तो हर कोई अच्छा बनता है, प्यार से ही ट्रीट करता है, लेकिन तुम्हारी असलियत हम देख चुके हैं। इतनी सी तो बात थी, गलती से उनसे कोल्ड ड्रिंक क्या गिर गया तुम्हारे ऊपर, तुमने उन पर हाथ तक उठा दिया। ये है तुम्हारी रियलिटी, ये है तुम्हारी औकात। और रही बात औकात की, ये जिस रेस्टोरेंट में तुम खड़े हो ना, मेरे पापा का ही रेस्टोरेंट है ये, हमने जानबूझ के तुम्हें यहीं मिलने बुलाया था मिस्टर रोहन। और तुम जब बाप की उम्र के इंसान के ऊपर हाथ उठा सकते हो, तो मेरी बेटी के साथ पता नहीं क्या क्या करते। तेरे जैसे लड़के ना, मेरी बेटी तो क्या, किसी की भी बेटी को डिजर्व नहीं करते। यू आर वेरी पुअर बाय हार्ट, आउट। सॉरी सर, सॉरी प्रीति जी, गलती होगी सर।
सॉरी पापा। गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, यह कभी ना कभी इंसान को ले डूबता है। तो दोस्तों, अपने गुस्से पर काबू पाए और हर व्यक्ति के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करें। और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक शेयर से लोगों तक ये मैसेज पहुंचेगा और उन्हें यह सीख मिलेगी। तो वीडियो शेयर करें। शुक्रिया।